हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप सबका दोस्त और होस्ट आशीष सिंह, और आप देख रहे हैं मेरा आज का न्यू ब्लॉग। दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। और अगर वीडियो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो चलिए अब बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने कोठार, जहाँ पर जो कल मैंने अपने खेतों की जो फसल की कटाई करवाई है उसको आज ढोआ कर वहाँ पर लाना है। तो जो उसके लिए अलग से मैंने बनियार खोजे थे वो भी मिल चुके हैं मेरे गांव से, और अभी जाए हैं मेरे खेत में उस फसल को ढोने के लिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपने कोठार, वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करूँगा पानी और जो भी उनके लिए जो लगता है, या फिर तंबाकू या गुड़ाखू, वो सब लेके जा रहा हूँ अपने कोठार की तरफ। और मैं आप लोग को फिर से आज अपने खेत लेकर जाऊँगा कि दिखाऊँगा वहाँ पर जो भाई लोग हैं, बनिहार हैं, वो कैसे धान को ढोकर मेरे कोठार पर लाते हैं जहाँ पर धान की मिसाई भी करना है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और मैं सीधे आप लोग को ले चलता हूँ अपने कोठार, और उसके बाद मैं आप लोग को ले चलूँगा अपने खेत। तो यहाँ पर अभी मैं अपने कोठार के पास हूँ, आप पीछे भी देख सकते हैं यहाँ पर जो भी व्यवस्था किया हूँ वो धान को यहाँ पर रखने के लिए, जो कि ढोकर ला रहे हैं अभी भाई लोग। और सोचता हूँ कि मैं भी कभी जाऊँ फसल ढोने, लेकिन मेरा जो शोल्डर कंधा है थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि उसको लाने के लिए ढोने के लिए काफ़ी मजबूत कंधा चाहिए और काफ़ी मेहनत भी लगता है। तो दोस्तों, जो बनिहार हैं जो धान ढो रहे हैं उनके लिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था कर चुका हूँ मैं, और ये देख सकते हैं उनके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। ये है उनके लिए गुड़ाखू जो भी करते होंगे, और ये है तंबाकू और चूना, अभी भी उनके लिए ज़रूरी है क्योंकि इससे शायद उन लोगों को एनर्जी भी मिलता है। तो दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत के पास, और यहां आसपास में मेरे खेत के अलावा कोई भी फसल, अड़ोस पड़ोस में जितनी भी फसल लगे हैं देख सकते हैं आप, किसी का नहीं हुआ है। और मेरा फसल पूरी तरह से पक कर और कट चुका है। और यहाँ पर जो बनियार जो मैंने ढूँढा था अपने जो इस फसल को ढोवाने के लिए, तो वो भी पहुँच चुके हैं भाई लोग, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे खेत पर पहुँच चुके हैं। अपना जो भी ढोने का सामान है, किस चीज़ से ढोते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ, किस तरीके से ढोते हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये अभी जो बनिहार है मेरे लिए, तो अभी 2-3 दिन तक के लिए एकदम बुकिंग में चल रहे हैं, और जिस किसी भी भाई बंधुओं को अगर अपना धान ढोवाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में इस ग्रुप का कोई एक लीडर है, उसका नंबर मैं छोड़ दिया रहूँगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आप अपना धान ढोवाना चाहते हैं तो। ज़्यादा महंगा रेट तो नहीं लेते इन लोग, फिर भी आप लोग डील कर सकते हैं इन लोगों से कि किस हिसाब से लोग ढोते हैं और अपना मेहनताना लेते हैं। तो ये देखिए अपने साथ लेकर आए, हाँ ये है ग्रुप के लीडर, आप लोग को मिलवाता हूँ मैं इस ग्रुप के लीडर से, इनका नाम शायद उमेद है। और अपने साथ देखिए क्या ले गए हैं ये, जिसमें शायद धान को रखकर बांध रहे हैं। ये है, इसको सीका बोलते हैं शायद तक सीका, और जो कंधे पर ये, इसको बहंगा बोलते हैं, जो कि बांस का बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि जो धान का जितना लेयर रखा जाता है, और लेयर रखने के बाद इस तरीके से उसका गांठ बांधा जाता है ताकि आसानी से इसको ढोकर ले जाया जा सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि धान को किस तरीके से बांधा गया है, जो कि यहाँ से ढोकर ले जाना है। और मुझे लगता है कि मेरे खेत से जहाँ पर कोठार पड़ता है वह समथिंग 1 किलोमीटर होगा, और इन भाई लोग किस तरीके से अपने कंधे पर बहंगा के द्वारा इसको ढो कर ले जाएंगे, अभी आप लोग वीडियो में खुद देखिएगा कितना मेहनत लगता है। और मैं भी सोचता हूँ कभी करके देखूँ, लेकिन मैं थोड़ा डरता हूँ किस तरीके से धान को ढो कर लेकर जा रहे हैं कोठार के पास।
तो देख सकते हैं अभी मेरे कोठार के पास जो धान को ढो कर भाई लोग लेकर आ चुके हैं, और यह उनका जो पहला राउंड था, और लगभग 7 राउंड में जो पूरा ढोने का काम है वह कंप्लीट हो जाएगा। धान ढोवाई का पहला राउंड, और देखिए पूरे 11 के 11 बनिहार पहुंच चुके हैं धान को लेकर। ये है उमेंद्र जो कि सबसे भारी वजन लेके आए हैं यहाँ पर। क्या लेयर है यार उमेंद्र? 6 लेयर है? 6 लेयर नहीं है, बस ये सबसे ज्यादा लेयर है, 8 लेयर है। अरे माखू चूना घोंट ले रहा, अच्छा धर ले हा, एनर्जी मिल ही ना उमेन, देख चूना ला गठिया ले रहा। हाँ VIP आदमी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, अब आपका दोस्त और होस्ट आप लोगों से विदा लेता है, और जल्द ही मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।